welcome to affairs cloud my name is vikas rana we are one-stop solution for current affairs you can find our crack current affairs course on our application exclusively for current affairs where you will be getting daily weekly and monthly current affairs on regular basis you can use code vikas10 to get additional 10% discount while purchasing the course this video is available both in english and hindi the timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also, follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also, students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving, and very useful for your revision. We aim to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on Daily Current Affairs content PDF at our mobile application and website carrierscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्नीशन टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉर सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा एंड तक बने रहिएगा काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल जल है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द विनर्स ऑफ द सिक्सटी एडिशन ऑफ रेमन मैक्स अवार्ड ट्वेंटी तो इनमें से विनर कौन नहीं है रवि कनन यहाँ पे विनर नहीं है मियाजाकी हायो ये जापान से बिलोंग करते हैं फरवीजा फरहान ये आपके इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं देन करमा फुन्सो ये आपके भूटान से बिलोंग करते हैं एंड न्यूंग थी नोंग फोंग ये आपके वियतनाम से बिलोंग करते हैं और एक और आ जाता है वो है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स राइट ये थाईलैंड से बिलोंग करती है ये मूवमेंट राइट इनको यहां पे ऑनर किया गया था सिक्सटी सिक्स एडिशन ऑफ रेमन मैक्से अवार्ड से

For entertainment at the first edition of the फिक्की Young Leaders Award 2024, so किस इंडियन एक्टर को यहाँ पे सम्मानित किया गया आयुष्मान खुराना के लिए ये तो थे एंटरटेनमेंट कैटेगरी में यहीं पे अगर मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करूँ, तो वो आ जाते हैं नीरज चोपड़ा राइट जेवलिन थ्रो इनका स्पोर्ट है नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्ड ऑन द टाइम हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन ए आई लिस्ट तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो किन को यहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया है अक्षित बंसल नहीं रहेंगे इस लिस्ट पे बाकी सभी इस लिस्ट पे रहेंगे नेक्स्ट नेम द अवार्ड दैट वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड बाय द प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम टू पंद्रह नर्सेज एंड मेडवाइस एट एन इवेंट जो कि राष्ट्रपति भवन न्यू डेली में हुआ था तो नर्सेज को जो अवार्ड दिया जाता है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये बेसिकली अवार्ड दिया जाता है राइट जिनको हम बोलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगल या जिनको हम बोलते हैं आ, आ, इन्होंने बेसिकली बहुत काम किया था right? था राइट सोशल वर्क करा करेक्ट इनको ऑनर करने के लिए यहां पे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है राइट right? ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है नर्सिंग प्रोफेशनल ऑफ इंडिया के द्वारा राइट टेक आउट ऑफ दिस नेक्स्ट आ जाते हैं रेलवे स्टेशन कौन से रेलवे स्टेशन को अभी अवॉर्ड दिया गया नॉन सब अर्बन ग्रुप वन स्टेटस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तो किस रेलवे स्टेशन को यह दिया गया है स्टेटस एन एस जी वन का यह है विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन एन एस जी वन स्टेटस यहाँ पे इनको दिया गया है इस एन एस जी वन स्टेटस का ना एक क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया क्या होता है कि किसी भी रेलवे स्टेशन पे अगर एनुअल रिवेन्यू मोर देन फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज आ रहा है सालाना या फिर वहां पे बीस लाख से ज्यादा पैसेंजर्स आ रहे हैं तो उनको यहां से सम्मानित किया जाता है करेक्ट नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया 2024 का यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अबॉर्ड फॉर सिग्निफिकेंट मल्टी सेक्ट्रल एक्शन टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडीज एंड मेंटल हेल्थ तो किसको सम्मानित किया गया वो है आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल Right? इन्होंने वेरियस इनिशिएटिव्स इनिशियटिव इंप्लीमेंट हैं जिसमें आपके हेल्थ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए राइट अफोर्डेबल हेल्थ सॉल्यूशंस लाने के लिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किए गए इनके द्वारा और इसी के लिए इनको यहां पर सम्मानित किया गया है नेक्स्ट आ जाते हैं किस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर्सनैलिटी को रिसेंटली ऑनर किया गया था ग्लोबल प्रेस्टीजियस अवार्ड से इन यूके पार्लियामेंट वो है विनोद बच्चन को ये काफी फेमस बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर हैं और इनको ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके में नेक्स्ट उस मूवी का नाम बताओ जो कि अभी नाइनटी सेवेंथ अकेडमी अवार्ड जो कि ऑस्कर 2025 में ऐड की गई फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के अंडर तो वो है लापता लेडीज लापता लेडीज बराऊ राइट right, इनके द्वारा इस फिल्म को अभी रिसेंटली डायरेक्ट किया गया था ये असमीज डायरेक्टर हैं एंड लापता लेडीज यहां पे एंटर कर गई है ये ऑफ इंडिया की ऑफिशियल एंट्री रहेगी फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए नेक्स्ट किन को भी क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 इन जयपुर राजस्थान वो है रिहा सिंघा को राइट रिया सिंघा उन्नीस साल की हैं ये कहा से बिलोंग करती हैं गुजरात से बिलोंग करती हैं एंड इस विक्ट्री के बाद ये अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी एट द सेवेंटी थर्ड मिस यूनिवर्स 2024 पेजेंट में जो कि मेक्सिको में होगा नवंबर 2024 में होगा नेक्स्ट आ जाते हैं उन इंडियन का नाम बताओ दैट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रस्टिजियस अवार्ड बाय द साउथ कोरियन गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया वो है अनुष्का सेन काफी फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं ये राइट right? एंड इनको अभी सम्मानित किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा ताकि इंडिया और कोरिया के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको ये प्रमोट कर रही हैं नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जीता नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड फ्रॉम द कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन बिजनेस सेंटर एट हैदराबाद तेलंगाना तो कौन सी कंपनी रहेगी जिनको नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया जिन्होंने जीता इसको वो है राष्ट्रीय इस्पत निगम लिमिटेड जो कि है आर आई एन एल राइट right? एंड याद रखेंगे आर एन आई एल ने इनकी जो एनर्जी एफिशिएंट है राइट right? इसको अवार्ड को भी जीता है एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड एट्थ कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए आज जो इनके एनर्जी कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं राइट right? जो नई टेक्नोलॉजीज ये ला रहे हैं हीट रिकवरी सिस्टम्स ये ला रहे हैं राइट right? वेस्ट रिसाइकलिंग एंड एन एनर्जी बेंच के लिए जो सिस्टम्स ये ला रहे हैं फ्रेमवर्क जो ला रहे हैं उसके लिए इनको यहाँ पर इस अवार्ड को इन्होंने इस चीज़ों के लिए जीता है यहाँ पर

ज रिसेंटली वन द एफ वन ब्राजीलियन ग्रैंडपिक्स इन साउ पोलो ब्राजील तो वो है मैक्स वर्टेपन मैक्स वर्स एपन रेड बोल के लिए ड्राइव करते हैं बेल्जियन ड्राइवर है, Belgian -Dutch driver है. ये इनकी फोर्थ स्ट्रेट कौन से मतलब लगातार चौथे विन रहेगा एंड अगर दो हजार चौबीस की बात करें तो ये आठवीं विक्ट्री है इनकी नेक्स्ट वेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया तो नौ नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल लीगल सर्विस डे एंड पहली बार इस डे को उन्नीस सौ पिचानवे में ऑब्जर्व किया गया था एंड लीगल एड सबको मिल सके ये सबका फंडामेंटल राइट है इसको इसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है नेक्स्ट उस वॉलकैनो का नाम बताओ जो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ इंडोनेशिया में जहां पे 10 लोगों की भी जान चली गई क्या नाम रहेगा उसका माउंट लिवोटोबी लाकी ये उस वॉलकैनो का नाम है नेक्स्ट इंडिया का वो पहला पोर्ट कौन सा बना जिन्होंने ग्रीप शिप इनिशिएटिव को ग्रीन शिप इनिशियेटिव को यहाँ पे लॉन्च किया थ्रू इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स पोर्टल कौन सा पोर्ट रहेगा वो है मोरमा पोर्ट कहाँ पर है ये गोवा में है इस पोर्ट के थ्रू हम देखेंगे कि सस्टेनेबली डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जाएगा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जाएगा पॉल्यूशन को यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा एंड जो फ्यूल भी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा ना वो ग्रीन फ्यूल यहाँ पे यूज किया जाएगा नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट जो ग्लेशियल लेक्स हैं वो क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर राइज हो रहा है टेम्परेचर राइज होगा तो जो बर्फ है वो पिंगलेगी वो पिंगलेगी तो वाटर बनेगा राइट और इसी के चक्कर में जो ये हिमालय की ग्लेशियर लेक्स है ना इनका जो एरिया है बर्फ पिंगलने से पानी बढ़ गया तो एरिया भी एक्सपेंड हो गया तो 10.81 परसेंट का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला ड्यू टू तो क्लाइमेट चेंज दो में इवन सिक्सटी सेवन लेक्स तो ऐसी थी जहाँ पे उनका एरिया फोर्टी से बढ़ गया नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट जो एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट इनके द्वारा रिलीज की गई एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज की वद, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से 2070 तक जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पर हमें कितनी जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा तो हमें 16.9% पॉइंट नाइन परसेंट जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा 2070 तक वहीं पे अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक हो जाता हूं, इंडिया में कितना GDP का का लॉस लॉस देखने देखने को मिलेगा? 24.7% को मिलेगा 2070 तक अगर ये क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो ऐसे ही चलता रहा नेक्स्ट ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रॉफी जो कि रिलीज की गई एलडेलगी फाउंडेशन के द्वारा इन पार्टनरशिप विद ह्यूरन इंडिया तो वह है शिव नादर राइट right, ये इन्होंने टॉप किया है इलेवेंथ एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिल्मी लिस्ट में नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली वन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मुस्काट ओमान में तो हरमनप्रीत सिंह राइट right, इन्होंने यहां पे जीत लिया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मैन प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल मुस्काट ओमान में नेक्स्ट विच वर्ड इसको सेलेक्ट किया गया कॉलिंस के द्वारा एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024 तो ब्रैट ब्रैट बेसिकली एक वो इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कि खुद को बहुत कॉन्फिडेंट समझता है राइट इन अ नेगेटिव वे राइट किसी को भी कुछ भी बोल देता है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है चीज़ें नहीं पता होती लेकिन फिर भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है इंडिपेंडेंट रहता है राइट right? इसको हम बोलते हैं ब्रैट एंड जनरली ये नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है नेक्स्ट हु हैज़ रिसेंटली सोन इन एज द फिफ्टी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ये है जस्टिस संजीव खन्ना ये सक्सीड करेंगे जस्टिस डी वाई चंद्रचूत को जो कि फिफ्टी एथ चीफ जस्टिस थे इंडिया के अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस की जो ओथ होती है वो कौन प्रिजाइड करता है इट ओवर बाय द प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट कौन है द्रौपदी मुर्मू मा नेक्स्ट रिसेंटली रिलेक्टेड टू अ सेकेंड टर्म एज द प्रेजिडेंट ऑफ मोलडोवा तो किनको अपॉइंट किया गया कौन इलेक्ट की गई है फॉर द सेकेंड टर्म माया साधु नेक्स्ट इन विच सिटी इंडिया का पहला मार्स एंड मून एनोलाग मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है ये बेसिकली मिशन है ताकि सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन को यहाँ पे स्टेब्लिश किया जा सके क्योंकि हम देखते हैं ले में जहाँ पे ये मिशन लॉन्च किया गया है वहाँ पर आपका माइनस दस डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और नीचे चला जाता है रॉकी टेरेन है वहां पर राइट लो फोर्टी परसेंट लो ऑक्सीजन वहाँ पर हमें देखने को मिलती है तो ये सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं इसलिए यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है किसके द्वारा इंडिया के द्वारा नेक्स्ट ज यू एन वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द्लोब दस नवंबर को ग्लोब इसकी थीम रहेगी यहां पर राइट और पहली बार इस डे को दो में ऑब्जर्व किया गया था नेक्स्ट वेन इज नेशनल एजुकेशन डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तो 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे पहली बार इस डे को 2008 में ऑब्जर्व किया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है एन ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ ताकि बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा सके तो वो है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस में आप देखेंगे ये रिसर्च कैरी आउट की जा सकती है राइट ताकि क्या बायोमैन क्या जो बायोलॉजी है उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारा अ, अ, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर बायोलॉजी पर राइट एंड यहीं पे हम बायोटेक बनाएंगे इसमें हम देखेंगे इसरो इसरो एंड नासा ये दोनों मिलके यहां पे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कराएंगे 2025 में एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अच्छा इंडिया भी अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है उसका नेम क्या रहेगा ये आपका होमवर्क है नीचे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट सीपीआई की बात करते हैं ये आपका इन्फ्लेशन बताता है फोर्टीन मंथ हाई पे था सेप्टर के महीने में राइट अक्टूबर में कितना था ये आपसे पूछा गया है. तो सितंबर में से मैं तो था 5.49 जो कि अक्टूबर में बढ़ के सिक्स हो गया जो कि 14 मंथ हाई है इवन अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये भी ऑल टाइम हाई पर हमें देखने को मिल रहा है 10 प्लस परसेंट रहेगा जिससे ही इतना यहाँ पे इन्फ्लेशन देख रहा है एंड तभी कहीं ना कहीं जो आर है वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर वो करते हैं तो ये जो इन्फ्लेशन है वो और ज्यादा शूटअप हो जाएगा एंड देर इज अ हाई चांस कि वो कंट्रोल में भी ना आए फिर नेक्स्ट विच इंस्टिट्यूट हैज़ रिसेंटली सिक्योर्ड द हाइएस्ट रैंक इन इंडिया इन द सिक्सटी एडिशन ऑफ कॉकर साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया दो हज़ार पच्चीस की रैंकिंग में तो इंडिया से टॉप किसने किया आई आई टी डेली ने आई आई टी डेली की फोर्टी फोर्थ पोजिशन रहेगी ग्लोबली लेकिन इंडिया से टॉप किया आई आई टी बॉम्बे की मैं बात करूँ तो फोर्टी सिक्स पोजिशन फोर्टी एट पोजिशन पर आ जाते हैं आई आई टी मद्रास की मैं बात करूँ तो फिफ्टी सिक्स पोजिशन पर आ जाते हैं और टॉप किसने किया वो है पैकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को रिलीज किया स्टेटिंग दैट इंडिया हैज रजिस्टर्ड 17.7 डिक्लाइन टीबी केसेस में तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक इन्होंने कितना अमाउंट अप्रूव किया या फिर एज अ लोन तो वह दो सौ मिलियन डॉलर यहां पे अप्रूव किए गए हैं एज अ लोन केरला स्टेट को दिए जाएंगे केरला स्टेट के कैरा प्रोजेक्ट के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना उसको ग्रो किया जाएगा एंड चार लाख से भी ज्यादा फार्मर्स को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा फंडिंग मिलेगी उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा जो क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट कराया जाएगा वीमेन लेट स्मॉल बिजनेस को एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो किया जाएगा तो इन सब चीजों में यहां पे पैसे लगेंगे नेक्स्ट किस कंट्री ने रिसेंटली पचपन सैटेलाइट रॉकेट इंक्लूडिंग दो ईरान की तो वो है रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था पर सुयूस मदद से लॉन्च किया गया दो सैटेलाइट ईरान की थी नेक्स्ट किस कंट्री ने रिसेंटली होस्ट किया पहला इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को 2025 में जो होस्ट करेंगे तो वो है हमारी इंडिया होस्ट करेगी टेकन आउट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इसी के अलावा एक क्वेश्चन यह रहेगा ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई तो ये लॉन्च की गई है जापान के द्वारा राइट right? कहां से लॉन्च की गई कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च की गई इसका नाम है लिग्नोसेट वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है ये एंड इससे हम इवन ये भी टेस्ट करेंगे कि क्या आने वाले टाइम में हम ये वुडन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज सकते हैं बिकॉज मल्टीपल रेडिएशन हमें वहां पर स्पेस में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने रिटेन किया अपनी पोजीशन एज द लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया एज ऑफ सितंबर 2024 तो रशिया ने यहां पे रिटेन की अपनी पोजीशन एज द लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया नेक्स्ट इन विच स्टेट इंडिया का फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सेटअप किया गया इंडिया एंड भूटान बॉर्डर पर तो कहां पर स्टेब्लिश किया गया है अरुणाचल प्रदेश में इसको यहां पर सेटअप आई करेक्ट माई सेल्फ असम में इसको यहां पर सेटअप किया गया नॉट अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट कौन सी सिटी एमर्ज करके आई वर्ल्ड की टॉप सिटी इन द ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में तो लंडन यूके ने यहां पे टॉप किया फर्स्ट पोजीशन न्यूयॉर्क यूएसए सेकंड पोजीशन पेरिस फ्रांस यहां पे थर्ड पोजीशन पे आ जाती है नेक्स्ट किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया 200 मिलियन डॉलर का लोन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू तो प्रोवाइड अपग्रेडेशन ऑफ वाटर सप्लाई सैनिटेशन अर्बन मोबिलिटी एंड अदर अर्बन सर्विसेज उत्तराखंड में तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यह लोन प्रोवाइड किया गया है 200 मिलियन डॉलर का एंड इनकी हल्दीवानी एरिया में भी आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन अर्बन मोबिलिटी ड्रेनेज फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाएगा नेक्स्ट हु हैज बिन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं वेलडेसी अर्जा नेक्स्ट हु हैज टेकन ओवर एज द चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो विपिन कुमार यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सक्सीड करेंगे एम सुरेश को नेक्स्ट किस स्टेट में डीआरडीओ के द्वारा अभी कंडक्ट कराया गया फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का तो ओडिशा में डीआरडीओ के द्वारा ये टेस्ट किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में नेक्स्ट उस साउथ कोरियन कॉम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम बताओ जो कि स्पेस एक्स के फेल्कन नाइन रॉकेट की मदद से स्पेस में लॉन्च की गई थी वो है कोरिया सेट सिक्स ए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं